हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी पेड़े की रेसिपी, जिसे हमने मिल्क पाउडर से बनाया है। फटाफट से बनके तैयार हो जाते हैं और कई बार पेड़े हमारे जो है सही बन नहीं पाते, तो बस वीडियो को एंड तक देखें, जो भी टिप्स है वो फॉलो करें, आपके पेड़े बहुत टेस्टी बनके तैयार होंगे, बिल्कुल गोल गोल। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे। तो गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है और लो फ्लेम पे हम एक चम्मच देसी घी इसमें डालेंगे, देखिए। और घी को हमें मेल्ट होने देना है। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो दूध हमें हाफ कप लेना है, लेकिन दूध हमारा बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। दूध को पहले गर्म कर लें और फिर उसको अच्छे से ठंडा करके हम उसका यूज़ करेंगे। तो ये सारा दूध हम इसमें डालेंगे। हाफ कप दूध हमने यूज़ किया है और अच्छे से मिक्स करके गैस बंद कर देते हैं। गैस हमने बंद कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, और ये मैंने एक कप मिल्क पाउडर लिया है। तो मिल्क पाउडर हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा डालें और अच्छे से दूध में मिलाएं, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। एक साथ डाल देने से क्या होता है कि दूध में हमारे जो मिल्क पाउडर डालते हैं उसमें लम्स हो जाते हैं और फिर पेड़े हमारे बढ़िया नहीं बनते। हमें इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं चाहिए, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें सारा मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। तो गैस हमने बंद रखी है, और ये देखिए सारा मिल्क पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको मिक्स करना है। अगर इस मिक्सर को मिक्स करते हुए इसमें लम्स लगे आपको, ये देखिए इस तरीके से, तो आप स्पैचुला से इस तरीके से इसको हल्का हल्का दबाएं और बिल्कुल स्मूथ कर लें। तो गैस हमें अभी ऑफ ही रखनी है। अगर ये मिक्सचर हमारा बड़े तरीके से बन गया तो हमारे जो पेड़े हैं वो भी बहुत बढ़िया बनते हैं। बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अब हम गैस ऑन करेंगे। गैस हमने ऑन कर दिया है और गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। तो मीडियम फ्लेम पे हमें पूरा प्रोसेस करना है, और जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे ये थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस कंटिन्यू चलाते हुए आप इसे पकाइए, और इस तरीके से हम इसको अच्छे से पकाएंगे। इसको हमने थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पे पकाया और आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ हो गया है। और इसको हमें अच्छे से डो फॉर्म में आने तक पकाना है। तो गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इस तरीके से हम इसको चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे, देखिए। तो जैसे जैसे डो फॉर्म में आएगा ये कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो बस मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर और पकाते हैं। दो तीन मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया, और ये देखिए हमारा जो मावा है बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। और अब हम गैस बंद कर देंगे और सारा मावा हम एक बर्तन में निकालेंगे। सारा मावा हमने एक बर्तन में निकाल लिया है, और इसे हमें अच्छे से ठंडा करना है, ताकि हम इसे अच्छे से टच कर सकें। तो ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसका यूज़ करेंगे। मावा हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर पाउडर। तो ये मैंने एक चौथाई कप शुगर पाउडर ली है, और सारी शुगर पाउडर हम इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। शुगर पाउडर ऐड करते टाइम हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी शुगर पाउडर ऐड करें तो हमें गरम मावे में ऐड नहीं करना है, नहीं तो मावा गीला हो जाता है और फिर उससे पेड़े बनाने मुश्किल हो जाते हैं, पेड़े अच्छे से बन नहीं पाते हैं। तो जब भी आप शुगर पाउडर ऐड करें मावे में, तो मावा हमारा अच्छे से ठंडा होना चाहिए, ताकि वो बिल्कुल भी गीला ना होए और हम अच्छी तरीके से गोल गोल पेड़े बना सकें। अगर ऐसा हो जाए कि मावा हमारा गीला लगे आपको या गीला हो जाए, तो आपको क्या करना है, 25 से 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें इसको, और ये थोड़ा टाइट हो जाएगा और फिर आप इसके पेड़े बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बनेंगे। लेकिन अगर ठंडे मावे में शुगर पाउडर ऐड करेंगे तो बिल्कुल भी गीला नहीं होएगा। और अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। सारा मावा हम इस बर्तन में निकालेंगे और दोनों हाथों में घी लगा लेते हैं,
ताकि पेड़े बनाते टाइम मावा चिपके ना। और थोड़ा सा घी हमने लगा लिया है, तो अब हम पेड़े बनाएंगे। थोड़ा सा मावा लेंगे और दोनों हथेलियों में हम इसे अच्छे से गोल करेंगे, देखिए। और हमारा जो पेड़ा है बनके बिल्कुल तैयार हो जाता है बहुत जल्दी, ये देखिए। और इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट लगाएंगे, तो मैंने बादाम कट करके रखी है। आपके पास जो ड्राई फ्रूट है आप वो यूज़ करें, आप इसके ऊपर पिस्ता भी लगा सकते हैं। तो थोड़ी सी बादाम हम इसके ऊपर लगाएंगे, देखने में अच्छी लगती है। तो बस हमारा पेड़ा बनके बिल्कुल तैयार है। और गोल गोल पेड़े आप भी बनाइए, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो सेम प्रोसेस से हम अपने सारे पेड़े बनाएंगे। इसे हम एक प्लेट में रखेंगे। सारे पेड़े बना के हमने तैयार कर लिए हैं, तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया गोल गोल हमारे पेड़े बनके तैयार हुए हैं। तो आप भी बनाइए और इन्जॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।